नमस्कार, हम बैद्यनाथ प्रसाद साग असहाय संरक्षण मंच के अध्यक्ष बजै छी और हमसब जे सर सफाई अभियंता भी छियै और हमसब जनकपुर धाम के धाम बनाबे के प्रयास में 4-5 वर्ष से जुटल छियै और आई विडम्बना देखियौ, जानकी मंदिर के जस्ट बगल में हम सब देख रहल छी अभी एक पहले मछली मांस जे है से कथी कहै छै परिक्रमा के बाहर बिकाय छलै और अभी दुर्भाग्य देखियो हम सब की करू, हम सब कते मेहनत कैला के बाद भी यहाँ के प्रशासन और यहाँ के लोकल जो सरकार से हम सब आग्रह करला चाहबे कि जानकी मंदिर के 100-200 मीटर अगाड़ी में देखी कि मछली छानि करके बिका रहा थे, तो कचरा भी देखा अपने कचरा तो है जानकी मंदिर के 100-200 मीटर मात्रे हम आगे थी सोनर पट्टी जो कहे पुराना बाजार, कोई भी आदमी नहाला में सबसे बड़ा दुर्भाग्य देखी वहाँ मछली जो है से कथी कहे यहाँ के 100 मीटर यानी मात्र बिका रहा है। हम सब जनकपुर धाम के केना बनावा चाहबे, केना एठान जो बाहर के टूरिस्ट एते और जानकी मंदिर में दर्शन करके अब निकलते 100-200 मीटर पर देखिए ना मछली बिक रहा है, कते बड़का दुर्भाग्य के बात है 100 मीटर के अगाड़ी में बिक रहा है, ई नहीं बिक्री होके चाहे अ पर जैसे हम ध्यान आकर्षण करना चाहे अहाँ सब ओठान में मछली बेचे छे मछली बेचे ले धरे लिए जाए छे अहाँ सबके मछली बाजार के बाजार में के कल के मछली बेच पहले धरे लिए कनी पति मछली जो बेच रहा है अहाँ मछली बाजार में छे बेच के जानकी मंदिर के अहाँ गरिमा तो कहीं हम बताओ ना, जानकी मंदिर 100 मीटर पर अहाँ मछली बेच रहा है, मान लो मछली बेच के जगह है ना अहाँ के अहाँ सब जनकपुर धाम के गरीब में बचाओ कम से कम, जब मछली बाजार में मछली बेच के जगह देख रहे थे बादो अहाँ जानकी मंदिर में मछली बेच रहा है, इतना कनिको उचित वाला बात नहीं बुझा थी ने अहाँ सब ओत मछली बेचो कम से कम। अभी देखे छे अभी इनका आग्रह के लिए और आग्रह करके मछली जो है से उठा के मछली बाजार में जा रहा है बिक्री करे के लिए, हमर सब के जैसे गरिमा जनकपुर धाम के बचाव के लागे संपूर्ण नगरवासी से हम आग्रह करना चाहबे कि जोन जगह पर एना देखे छे अपने से मछली बिकायत उनका कहे कि माछ बाजार में जाकर बेच के लागे।